अरे ये क्या है रागिनी? मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। रागिनी बोलो, क्या तुमने ऐसा? मतलब अभी बिल्कुल सही कह रही है। तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। रागिनी जवाब दो, बोलो। अरे बोलो, चुप क्यों खड़ी है? के के अजय, जय काली मां, 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 जय काली मां।
अन्नपूर्णा जी, हाथ जोड़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने। इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है। मेरी बेटी को जो कुछ भी किया वो शायद ही कोई बेटी अपनी माँ के लिए कर सके। गर्व है मुझे इस पर, क्योंकि इसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए किया, मेरे बच्चे को बचाने के लिए किया। माँ, मैं सच कह रही हूँ शोना, रागिनी ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को बचाने के लिए किया। रागिनी माँ नहीं बनने वाली है, मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन ये बच्चा आपका कैसे हो सके सर मिश्रा जी? आपने तो अपना बच्चा गिरा दिया था ना काकी साहब। शर्मिष्ठा, तूने तो बच्चा गिरा दिया था ना, अपना ऑपरेशन कराया था ना, बोलना। लानत है आप जैसी औरत पर, शर्म आ रही है हमारे को आज। अब मारे को लगा कि मारे इतना बोलने के बाद आपकी आंखें शर्म से झुक गई होंगी और आपने अपना बच्चा गिरा दिया होगा, लेकिन ना जी, कैसी औरत है आप ना। आप लोग मारे को बताइए कि नानी बनने की उम्र में मां बनने की सोच रही है जी औरत को। अरे मारे को लगा कि जी औरत खा पी के मोटी हो रही है, लेकिन मारे को क्या पता था कि जी औरत आपको बेइज्जती और शर्मिंदगी की सहने का शौक है तो अकेले सही है ना। मैं खुद तो बदनाम हो रही है, ना साथ हमारी रागिनी को भी साथ में ले डूबी। सुजाता, अरे लेकिन जीजी, मैंने पहले भी कहा था ये बच्चा इनके घर का निजी मामला है, इसमें बोलने का हमारा कोई हक नहीं बनता। पहले हक ना होगा जिज्जी, लेकिन अपने इस कांड में जो औरत ने रागिनी को जबरदस्ती शामिल करके अपना जो निजी मामला जे घर तक ले आई, अब मारे को बोलने का पूरा हक। शर्मिष्ठा जी, रागिनी तो बच्ची, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की। इतना सब करने से पहले आपने आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारे जज्बातों के बारे में नहीं सोचा। आपने बेटी ने इतना बड़ा खेल खेला और एक बार भी नहीं सोचा कि पता चलेगा तो हमें कितनी तकलीफ होगी। आपको पता है जब से मेरे दोनों बेटों की शादी हुई है ना,
सिर्फ एक ही सपना देखा है मैंने कि कब इनके बच्चों को मैं अपनी गोद में लूंगी, उन्हें खिलाऊंगी। किलकारियों से गूंजेगा, सारे सपने तोड़ती। रागिनी बेटा, चलो एक बार के लिए मैं ये मान लेती हूं कि तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन लक्ष्य तो तुम्हारा पति है ना, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा। उसके भी तो सपने हैं, क्यों तुमने एक बार के लिए भी लक्ष्य के बारे में नहीं सोचा? रागिनी बताओ, रागिनी क्या जवाब दोगी तुम लक्ष्य को? रागिनी मुझे कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि मुझे सब पता है। मैं सब कुछ पहले से जानता था। रागिनी ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। इस फैसले में मैंने रागिनी का साथ दिया। और आप सब क्या बोल रहे हैं? आप लोगों को अंदाजा भी है कि ये सब करते हुए रागिनी पर क्या बीत रहे? वाह लक्स, वाह, जब अपना ही सिक्का खोटा हो किसी को क्या बोलेंगे? लक्ष्य, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे इतना बड़ा झूठ बोलोगे, हमारी भावनाओं के साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। रागिनी पहले भी कई बार झूठ बोल चुकी है, धोखा दे चुकी है हमें। गलती हमारी है कि हर बार धोखा खाने के बावजूद हमने उस पर भरोसा किया। लेकिन तुमने ये सही नहीं किया बेटा। और शर्मिष्ठा जी, आप एक मां होने के नाते क्या आपका फर्ज नहीं था कि आप अपनी बेटी को सही राह दिखाएं? बच्चे तो बच्चे होते हैं शर्मिष्ठा जी, चाहे जितने बड़े हो जाएं, उन्हें माँ बाप की सलाह की जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। लेकिन आपने अपनी बेटी को सही और गलत का फर्क नहीं समझाया, उसे झूठ बोलना और धोखा देना सिखाया। बस दुर्गा प्रसाद जी, आप सच्चाई नहीं जानते और बिना सच्चाई जाने आप किसी पर इल्जाम न लगाएं। आप नहीं जानते उस समय हम पर क्या बीत रही थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर उस वक्त हम ये नहीं करते तो आज ये बच्चा जिंदा ही नहीं होता था। तब तक
क्या मतलब है आपका? माँ आप कहना क्या चाहती है? मिस्टी सही कह रही है बेटा, तुम नहीं जानती हो क्या हुआ है। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है। और वो इंसान है मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ। लेना देना इन सब में। मां समाज में अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सच्चाई आप सबको बताएंगी? आप ठीक है, मैं ही सबको बता देता हूं। मां इतनी रात कोई औरत कब मिलने आई है मां से? ले शर्मिष्ठा, तुम्हारे वास्ते बादाम वाला दूध। ये बादाम वाला दूध नहीं होना मिस्टी, ये वाला मां। नहीं चाहती मैं कि आप बच्चे इस दुनिया में आए और हमारे परिवार को शर्म से अपना सर झुकाना पड़े। मां हमने फैसला किया है कि हम आपके बच्चे को गोद लेंगे। देखिए पापा, हम घर वालों को बताएंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं और एक नकली प्रेगनेंसी का नाटक करेंगे और कहेंगे कि माँ ने अपना अबॉर्शन करवा दिया। और फिर जब माँ की डिलीवरी का टाइम आए तो माँ आप नानी माँ के पास बनारस चली जाना और वहाँ अपने बच्चे को डिलीवर करना और फिर हम वहाँ आके वो बच्चा ले लेंगे और यहाँ वापस आके सबको कह देंगे कि वो बच्चा हमारा ही है। पर बेटा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मेरी माँ ने वो बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है, जिस मासूम की कोई गलती नहीं है उसकी जान लेने की कोशिश की। उसकी जान बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। दादी अब मां के बच्चे को मारना चाहती थी।